है 2 जून को गाड़ी आएगी और गाड़ी वाला नारा क्या लगाएगा, गाड़ी वाला कचरा निकाल, घर से कचरा निकलेगा 2 जून को दिल्ली वालों का। तो 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में ही खाएंगे वाली पार्टियां नहीं है अभी फिलहाल में, जो थी वो कांग्रेस खुद खा गई है उनको। अरविंद केजरीवाल नहीं लग रहे, ये तो एकदम निकम्मा महाचोर आदमी है ये तो। चोर है ये तो, 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल हो गए मेरी है ना, मेरी सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बनी अभी, इनको बीजेपी वालों को 10 साल लोगों ने दिया, किस लिए? फर्स्ट राउंड में इन्होंने सब कुछ अच्छा किया था, लोगों ने दूसरे राउंड भी दिया इनको कि चलो आगे और अच्छा करेंगे, लेकिन दूसरे राउंड में तो इन्होंने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। बदलाव तो होना ही चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है? ये राजनीति एक ऐसा मुद्दा है और ये ऐसा जायका है कि इसको ज़्यादा दिन हजम नहीं कर सकता इंसान। केजरीवाल जी जीतेंगे? केजरीवाल जी 2 तारीख को जा रहे हैं वापस, बाकी अभी की स्थिति देख करके तो कि जीत के जाएंगे वो, हार के जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया नेशन प्रो। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री है तो उसी तरीके से देखते हैं कि कौन सी पार्टी का तापमान बढ़ा हुआ है, कौन जीतेगा। तो सर क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। कहाँ से? मैं भारत से हूँ। भारत से? मैं बिल्कुल भारतवासी हूँ। लेकिन रहते कौन से क्षेत्र में ये बता दीजिए। रहता मैं हरियाणा प्रदेश में हूँ। तो क्या लग रहा है किसकी सत्ता आ सकती है? भाजपा। 6 चरण जिस तरीके से हो गए हैं, कहा जा रहा है कि 6 चरण के बाद में फेर बदल हो सकता है सरकार में। फेर बदल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फेर बदल हो सकता है। जो संशय हो रहा था कि 400 पार नहीं होगा, ये 400 के करीब पहुंच चुके हैं। 400 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जो आपको क्या लगता है कि 400 पार होगा? देखिए लग तो होना दो होता है, 400 के करीब तो पहुंच चुके हैं, बाकी अंतिम चरण में जनता का काम है उसको 400 पार करना है या उससे पहले रोकना है, तो वो जनता के ऊपर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 7 सीटों की दिल्ली में चुनाव सीटें हैं, तो क्या लग रहा है 7 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? 7 में से 7-0 क्लीन स्वीप है और हैट्रिक से ज़्यादा ही हो जाएगा। हैट्रिक तो 3 का होगा सर, तीसरी बार है ना सर हैट्रिक। अच्छा, तीसरी बार होगा। हाँ। पूरी सीटें। लेकिन अगर वाई चांस दिल्ली का एक हमेशा से आप पुरानी राज देखिए, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली की बांसुरी स्वराज लग रहा है सत्ता से हारती हुई नजर आ रही है, और दूसरे तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सीलमपुर से कन्हैया कुमार जीतते नजर आ रहे हैं। सर सीलमपुर क्षेत्र है और आप पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लीजिए लोकसभा की, तो कन्हैया कुमार हार रहे हैं और हो सकता है कि जैसे बेगूसराय में उनकी जमानत जब्त हुई थी, दिल्ली में भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में मोदी सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली से जो मेरठ के लिए रैपिड रेल का काम चल रहा है उसमें दिल्ली सरकार ने 450 करोड़ नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट का हंटर लगा तब 50 करोड़ दिया, बाकी तो सारा केंद्र सरकार ने दिया। उसके बाद तुगलकाबाद से एयरपोर्ट के लिए मेट्रो का कार्य चल रहा है, उसमें दिल्ली सरकार ने 1 रुपये नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया। उसके बाद आ जाइए दिल्ली में कोविड के दौरान वैक्सीन सारी केंद्र सरकार ने दी, दिल्ली सरकार ने वैक्सीन परचेज नहीं की। लेकिन वैक्सीन की बात आपने करी है तो वैक्सीन पे बात करूँ, कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन लगी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब ये बात सामने आई तो मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट वैसे फोटो क्यों हटवा दी? देखिए चुनाव आचार संहिता लगती है तो अच्छे अच्छे होर्डिंग्स और फ्लैग्स हट जाते हैं, तो वो चुनाव आयोग ने हटवाया है, चुनाव के बाद वापस लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की, ठीक है। आप दूसरा आपने कहा कि कोविड वैक्सीन से, आप मुझे एलोपैथी की एक दवा बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, बताइए मुझे जी। जो डोलो लेते हैं फीवर में जी, या पैरासीटामोल लेते हैं, क्या वो किडनी पे इफेक्ट नहीं करती है? करती है ना, ऐसी हर दवाई एलोपैथिक में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो साइड इफेक्ट ना करती हो, और इसका तो प्रतिशत कितना है, 10 लाख में 7 लोगों को, तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और भारत में इस चीज़ को सिद्ध भी नहीं हुआ है, ये अमेरिका वगैरह में हुआ क्योंकि वहाँ 2 मौसम होते हैं और भारत में 4 मौसम होते हैं, तो यहाँ पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। तो केजरीवाल जी द्वारा कैसा लग रहा है कि केजरीवाल जी जीतेंगे? केजरीवाल जी 2 तारीख को जा रहे हैं वापस, बाकी अभी की स्थिति देख करके तो कि जीत के जाएंगे वो, हार के जाएंगे। बनके तो आए थे वो नायक के अनिल कपूर, और बनके अब जा रहे हैं पांडुरंग। अच्छा, मतलब आपने नायक मूवी से जोड़ दिया पूरा। उन्होंने ही मैंने नहीं जोड़ा है, जब केजरीवाल की सरकार पहली बार सत्ता में आई तो उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया अपने आप को कि जैसे कि वो नायक मूवी के अनिल कपूर हों,
फिर अभी जो कंडीशन हो रही है वो वही नायक मूवी के ही पांडुरंग हो गए हैं कि जेल जाने से बचने के लिए किडनी में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। भाजपा आ रही है और कौन आएगा? कितनी सीट होगी? 380+। 380+ है, छठवे चरण में ही हो गया। छठवे चरण में हो गया जैसा भैया ने बताया। श्योरिटी कैसे आई है? क्योंकि भैया देखो, जो काम करेगा वही श्योरिटी से बोल पाएगा। काम गिनवाएंगे भाजपा के? बिल्कुल, बहुत सारे काम है गिनवाइए। जैसे दो राज्यों में पहले मेट्रो थी, आज के डेट में 20 राज्यों में है। आप हाईवे के ही देख लो, 95,000 किलोमीटर था, आज के डेट में लगभग 1.5 लाख के करीब है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंचा ब्रिज अटल सेतु, फ्री शौचालय, आयुष्मान योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना, किसान निधि योजना, लगभग 10 काम गिनवा दे। अभी इतने हैं कि मतलब गिनवा नहीं पाएंगे, दिमाग में भी नहीं है इतने काम करा के। जो नारे पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे, हो गए। आप तो कह रहे होंगे हो गए। गठबंधन सरकार कह रही है कि इस बार ही दिल्ली में सत्ता हम बनाएंगे। गठबंधन का देखो कहीं आता पता नहीं है, कहीं दिख भी नहीं रही मेरे को, तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही कि वो आने वाली है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, 4 तारीख आपने कपिल सिब्बल जी का स्टेटमेंट सुना होगा। अरे सबसे बड़ी चीज आप भूल गए, बाड्रा जी का एक इंटरव्यू चल रहा है। बताइए, दिग्विजय सिंह क्या है? अपरिपक्व। केजरीवाल जी क्या है? अवसरवादी। ये स्टेटमेंट है रॉबर्ट वाड्रा जी का। सैम पित्रोदा क्या है वो भी उन्होंने सारा बता दिया कौन क्या है। तो ये गठबंधन है सर, कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? अब जो जिसने जीतना वही जीतेगा। अभी फिलहाल तो बीजेपी की लहर है, तो अपने हिसाब से बताइए कि आप किसको जिताना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं या यही सस्ता चाहते हैं? बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए, कारण? कारण क्या है? ये राजनीति एक ऐसा मुद्दा है और ये ऐसा जायका है कि इसको ज़्यादा दिन हजम नहीं कर सकता इंसान। इसके अंदर स्वार्थ, लालच और अपना फ़ायदा ज़्यादा है, इसको ज़्यादा दिन आदमी पचा नहीं सकता। इसलिए इसको जितने भी कम समय दिया जाए ना उतना ठीक होता है। अभी इनको बीजेपी वालों को 10 साल लोगों ने दिया, किस लिए? फर्स्ट राउंड में इन्होंने सब कुछ अच्छा किया था, लोगों ने दूसरा राउंड भी दिया इनको कि चलो आगे और अच्छा करेंगे, लेकिन दूसरे राउंड में तो इन्होंने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि 70 साल कांग्रेस को भी तो दिया गया था, इनको तो सिर्फ 10 साल दिए। कांग्रेस को 65 साल, 60 साल, 70 साल जो भी दिया, लेकिन विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको मुद्दा बना करके ला सके। अभी विपक्ष में कौन सी पार्टी है? अभी विपक्ष में पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन है बताइए? लेकिन अभी चलने वाली पार्टियां नहीं है, अभी फिलहाल में जो थी वो कांग्रेस खुद खा गई है उनको। अरविंद केजरीवाल नहीं लग रहे? ये तो एकदम निकम्मा महाचोर आदमी है ये तो। अरविंद केजरीवाल चोर है ये तो। 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल हो गए मेरी है ना, मेरी सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं बनी, मेरी वाइफ का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है सरकारी हॉस्पिटलों में, कहता है फॉर्म भरवाओ, प्राइवेट जाओ, ऑपरेशन करवाओ, घर आ जाओ। 15 दिन राउंड किए मैंने रोहिणी से, शेख सराय गया मैं, रोहिणी से शेख सराय जाता था 15 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर दे दिया, बोला हम आपको बुला लेंगे, आप जाओ, ठीक है। आज तक ना फ़ोन आया, ना ही ऑपरेशन हुआ, ना ही कोई रिक्वायरमेंट मिली मुझे। फिर हार के मैंने गुरु नानक में कराया। इतना बड़ा चोर है ये। यहाँ से मोहल्ला क्लिनिक बना। सुनो, मैं इस पे कहना चाहूंगा सर, आप अपनी वाइफ की बात करें, जब वो अपने राज्यसभा सांसद के आंखों का ट्रीटमेंट कराने नहीं करा सकता भारत में, दिल्ली में, वो लंदन जाता है इलाज कराने के लिए, तो आपने कैसे उम्मीद कर लिया? वही तो कहता हूँ ना, अपने बच्चों को सिंगापुर भेजा उसने पढ़ने के लिए, यहाँ कहते हैं मैंने स्कूल बहुत अच्छे बना रखे हैं, बहुत अच्छे स्कूल बना दिए मैंने, VIP स्कूल बना दिए, VIP ड्रेस दे दिए, VIP टीचर लगा दिए हैं, और अपने बच्चों को सिंगापुर भेज दिया उसने। क्यों भेजा? यहीं पढ़ाना था ना उसको। ड्रेस नहीं दी है तभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी हंटर चलाना पड़ा। नहीं, वो ड्रेस और किताबें नहीं दी बच्चों को तभी तो भी सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलाना पड़ा। इसलिए 2 जून को गाड़ी आएगी और गाड़ी वाला नारा क्या लगाएगा,
गाड़ी वाला कचरा निकाल, तो घर से कचरा निकलेगा 2 जून को दिल्ली वालों का, वो 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में ही खाएंगे। बिल्कुल कंफर्म है भैया। कौन लोग बाहर की मिठाई है वो कौन खाएगा? बाहर की मिठाई तो हम लोग खाएंगे। 4 जून को हम आपको यहीं पर मिलेंगे और आपका मुंह मीठा कराएंगे। अच्छा। बिल्कुल भाई, आप ये भी तो देखो, वो बंदा नारा किस चीज का दे रहा है ये भी तो देखो। आप हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में रहता है, कह रहा है अगर मुझे नहीं जिताओगे 4 जून को फिर मेरे को जेल जाना पड़ेगा वापस। मतलब हमेशा हर टाइम पे बस अपना स्वार्थ कार्ड, मतलब अपना स्वार्थ। कहने का मतलब ये है, दिल्ली का जितना भी कचरा है, जितना भी दिल्ली का पैसा होता है टैक्स का सारा या तो वो गमन कर रहा है या फिर दूसरे राज्यों को तोहफे में दे देता है कि आने वाले टाइम में मेरे को जैसे चांस मिलेगा मैं आपके राज्य में आऊंगा तो लोग मुझे। आपके हिसाब से कौन जीत, दिल्ली में कौन जीतता नजर आ रहा है? दिल्ली में तो बीजेपी के 7 सीटें हैं। सर सर एक चीज मैं आपको एक खबर दूं, आज की एक लेटेस्ट खबर है कि ये योगी जी को हटाने की बात कर रहे थे मगर भगवंत मान जी को हटाने की तैयारी चल रही है। भगवंत मान जी को हटाने की तैयारी चल रही है, राघव चड्ढा को वहां का सीएम बनाया जाएगा। ये अंदर की बात है। आप तो कैसे? जैसे इनके पास में योगी जी वाली बात आई थी वही सूत्र मेरे पास भी है। अच्छा, सेम ही सूत्र है? सेम सूत्र है। तो दोनों सारे सीएम सेम सूत्र सीएम क्यों हटा रहे हैं? सीएम, अरे सीएम हटा रहे ही रहे हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी को हिसाब से कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा और वोट कमल मोदी जी। मोदी जी भाजपा नहीं, मोदी जी भाजपा। और भाजपा और मोदी जी बात तो एक ही है ना, भाजपा और मोदी जी बात तो ये क्यों कहा जाता है भाजपा जीत रही है? भाजपा बीजेपी जमीन स्तर पे काम करें, आने वाले समय में अगर टिकने को प्लस महंगाई के ऊपर लगाम नहीं तो आने वाले समय में जैसे कांग्रेस की जड़ें खोद करके फेंक दिया ना उस तरह बीजेपी की भी करके फेंक देंगे लोग।